ज्ञानवापी विवाद को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले हर दूसरे दिन मस्जिद मंदिर विवादों को उठाना और विवाद पैदा करना अनुचित। मोहन भागवत ने इन मुद्दों के सौहार्दपूर्ण समाधान की जरूरत बताई, कहा संघ नहीं करेगा कोई और मंदिर आंदोलन। कहा दोनों पक्षों को साथ बैठाकर शांति से एक दूसरे से बात करनी चाहिए, अगर जरूरत हो तो अदालत के फैसले करे स्वीकार। नागपुर में आरएसएस के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले भागवत, ज्ञानवापी का इतिहास है जिसे हम नहीं बदल सकते। भागवत ने कहा ज्ञानवापी को न आज के हिंदुओं ने बनाया और न ही आज के मुसलमानों ने, ऐतिहासिक हकीकत और तथ्यों को करें स्वीकार। संघ प्रमुख बोले हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों करनी, झगड़ा क्यों बढ़ाना, वो भी एक पूजा है जिसे उन्होंने अपनाया है और यही यहाँ के मुसलमान है। भागवत ने आगे कहा इस्लाम बेशक बाहर से आया है लेकिन वो भी एक पूजा पद्धति है और उसे अपनाने वालों के पूर्वज भी थे हिंदू। मोहन भागवत बोले भारत किसी को जीतने के लिए नहीं बल्कि सभी को जोड़ने के लिए अस्तित्व में है, आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, आपस में प्रेम चाहिए। जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में आज हाई लेवल मीटिंग, गृहमंत्री अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बैठक में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी होंगे शामिल। कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग समेत सुरक्षा हालातों की होगी समीक्षा। जम्मू कश्मीर में 12 घंटे के अंदर दूसरा आतंकवादी हमला, आतंकवादियों ने बडगाम में दो प्रवासियों को मारी गोली, एक की मौत। आतंकी हमले में मारा गया मजदूर दिलखुश बिहार का रहने वाला, वहीं पंजाब के रहने वाले गोरिया की हालत स्थिर, अस्पताल में भर्ती। आतंकवादियों ने गुरुवार सुबह कुलगाम में एक बैंक मैनेजर की हत्या की थी, बैंक में घुसकर मारी थी गोली। आतंकवादी हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, आतंकी ने बैंक में घुसते ही निशाना लगाकर बैंक मैनेजर पर चलाई गोली। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, केंद्र सरकार को घेरा, कहा जिनको कश्मीर के लोगों की सुरक्षा करनी है वो फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त है। मोदी सरकार पर भड़के एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, बोले वो कश्मीरी पंडितों को इंसान नहीं बल्कि वोट बैंक के रूप में देखते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैंक मैनेजर की हत्या की निंदा की, केंद्र से पूछा सवाल, लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर की हाई लेवल मीटिंग, एनएसए अजीत डोवल, रॉ और आईबी के अधिकारी रहे मौजूद। आज एक दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, सुबह 11 बजे लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट में करेंगे शिरकत। लखनऊ के बाद कानपुर देहात जाएंगे पीएम मोदी, राष्ट्रपति कोविंद के गांव पौरंख में उनके साथ पथरी माता मंदिर के दर्शन करेंगे। दोपहर 2 बजे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भवन जाएंगे पीएम मोदी, उसके बाद मिलन केंद्र जाने का कार्यक्रम, वहां एक जनसभा को करेंगे मोदी संबोधित। वडोदरा के में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट, 10 लोग घायल, सभी घायलों का इलाज जारी। मौके पर पहुंची फायर की टीम ने आग पर पाया काबू, करनी पड़ी काफी मशक्कत। स्थानीय लोगों के मुताबिक 8 धमाके सुनाई दिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मायरा फॉरेस्ट एरिया में लगी आग, जंगल से उठ रही आग की ऊंची ऊंची लपटे, आसपास के इलाके को खाली कराया गया। वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के काम में जुटी। सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, हार्ट में पंक्चर बताई गई मौत की वजह। सिद्धू मूसेवाला को लगी थी 19 गोलियां, 15 मिनट के अंदर हो गई थी मौत। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से पहले के कुछ और सीसीटीवी फुटेज आए सामने, थार गाड़ी के पीछे हमलावर की दो गाड़ियां उनका पीछा करती नजर आई। सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर, परिवार ने मिलकर श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के दो नेताओं ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की एसीबी से शिकायत की, स्कूल निर्माण में 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान के कांग्रेस विधायक पहुंचे उदयपुर, ताज अरावली होटल में रहेंगे सभी विधायक। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का को टूट का डर, हरियाणा के विधायकों को भी रायपुर किया गया शिफ्ट, अब तक 27 विधायक और एक सांसद पहुंचे छत्तीसगढ़। चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के आने से कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर, हरियाणा से अजय माकन है कांग्रेस उम्मीदवार। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दावा, प्रदेश की 4 में से 3 सीटें कांग्रेस जीतेगी। सचिन पायलट को भी कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत का भरोसा, 3 साल से जो समर्थन दे रहे हैं अब भी देंगे कहा। बिहार में जातीय जनगणना पर कैबिनेट की मुहर, बुधवार को ऑल पार्टी मीटिंग गणना कराने पर हुआ था फैसला। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को जनगणना में नहीं करेंगे शामिल, वरना वो खुद को कहेंगे भारत के नागरिक। इसराइल के रक्षा मंत्री ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर दोनों के बीच चर्चा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री की बड़ी मुश्किलें, सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गैस टैंकर और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दूषित पानी पीने से 2 लोगों की मौत हुई, 30 से ज्यादा लोग बीमार हुए। ईडी के सामने पेशी से पहले कोरोना संक्रमित हुई सोनिया गांधी, पीएम मोदी ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
महाराष्ट्र में कोरोना के बड़े केसेस, सरकार की केसेस पर नजर। सीएम उद्धव ठाकरे ने टास्क फोर्स के साथ मीटिंग कर तैयारियों का जायजा लिया। यूक्रेन में भारत, अमेरिका और मोल्डोवा ने नियुक्त किए अपने नए राजदूत। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की नए राजदूतों से मुलाकात। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ के शासन के 70 साल पर जश्न का आयोजन। ब्रिटेन की शाही वायुसेना ने महारानी के 70 साल के शासन पर किया शानदार प्रदर्शन। बकिंघम पैलेस से तस्वीरें सामने आई, यहीं से उड़ान भरी। जुलाई में वेस्टइंडीज के दौरे पर जाएगी टीम इंडिया, सीमित ओवरों की सीरीज में लेगी हिस्सा। वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी। 22 जुलाई को होगा पहला वनडे मैच। भारत के दौरे पर दिल्ली पहुंची साउथ अफ्रीका की टीम। टीम इंडिया 5 जून को आएगी दिल्ली, 9 जून को खेला जाएगा पहला टी20 मैच। अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज आज बड़े पर्दे पर हो रही है रिलीज। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड ने किया फिल्म के टैक्स फ्री होने का ऐलान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।